वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज ये खुशी फ्राइडे शाम को ऑफिस से निकलने की नहीं, धर्मशाला में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टॉप टू टीम्स के मैच देखने की है। तो अभी निकल गया हूँ मैं ऑफिस से और चलते हैं धर्मशाला। तो हम जाने वाले हैं धर्मशाला बाय रोड पर। बाय रोड में वॉल्वो वैसे तो बहुत अच्छी रहती है, पर वॉल्वो के रेट्स इस टाइम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे मैच के कारण, तो फिर हमने पानीपत से एक ट्रैवलर करने का कजन्स के साथ सोचा। तो जिसके लिए हम अभी जा रहे हैं पानीपत दिल्ली से। अभी हमने मूर्थल पे ब्रेक लिया है, पर सुबह सुबह 4 बजे निकल जाएंगे पानीपत से धर्मशाला को। बज गए हैं सुबह के 4 और हम निकलने लगे हैं टेम्पो ट्रैवलर पे। वैसे तो ट्रेन पे भी जा सकते हैं धर्मशाला, पर ट्रेन पे जाने में पठानकोट तक जाती है ट्रेन, जिसके बाद आपको फिर टैक्सी कैब कुछ लेना ही पड़ता है। तो पूरा रास्ता पानीपत से धर्मशाला तक जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे लगने चाहिए, पर ब्रेक्स वगैरह भी होते हैं बीच में तो थोड़े ज़्यादा ही लग जाते हैं। बाकी निकलते हैं अभी और बीच में अपडेट्स देंगे। सुबह के 4 बजे निकले थे, शाम के 5 बज गए हैं। इतना जाम है धर्मशाला जाते हुए रास्ते पे, इतना जाम लगा हुआ है। और फाइनली शाम के 7 बजे हम पहुंच गए अपने होटल, होटल शिवा करके नड्डी में एक होटल मिला था हमें। मैच की वजह से यहाँ धर्मशाला में सारे ही होटल्स पूरे पूरे बुक्ड थे, पर नीचे धर्मशाला में ना होने के बाद मैकलॉडगंज में भी हमने देखे होटल्स, पर वहाँ भी नहीं मिले। फिर हमने और ऊपर नड्डी में होटल्स देखे, जहाँ पर हमें एक होटल मिल गया। मैच की वजह से पूरा धर्मशाला पैक था, इतने जाम में 14 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में, बट फाइनली वी आर हियर। और ये है हमारा रूम। बालकनी भी है बट अभी कोई व्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, सुबह दिखाएंगे। बट ओवरऑल गुड होटल। गुड मॉर्निंग एंड इट्स मैच डे इन धर्मशाला। वैसे तो यहाँ 12-13 डिग्री है टेम्परेचर, पर रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है। Yeah, yeah, yeah.
लिए हम पहुंच गए हैं स्टेडियम। हमने नाश्ता कर लिया यहीं बाहर से और लोग अपने गेट्स की तरफ जा रहे हैं। टिकट्स हमने कलेक्ट कर लिए यहीं बॉक्स ऑफिस से, गेट नंबर 1 से। तो अब चलेंगे अपने स्टैंड की तरफ। ईस्ट स्टैंड है वैसे हमारा, और अभी तो काफ़ी अच्छी धूप है यहाँ पे, पर शाम को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लेट्स होप बहुत अच्छा मैच हो कि शाम तक चले, रात तक चले। एंड चलते हैं अब स्टेडियम के अंदर। चेकिंग करा के स्टेडियम के अंदर, पर इस मैच की जो चेकिंग थी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, पूरी टोपी वॉलेट। बट वी आर फाइनली इनसाइड, और यहाँ का इंतज़ाम मुझे बाकी तीनों स्टेडियम से काफ़ी अच्छा लगा। तो देखते हैं अभी अंदर चल के स्टैंड्स पे अपने। भाई ये पटाखे पहले ही लगा रखे हैं इन्होंने, अगर इंडिया नहीं जीती तो। विराट कोहली का ड्राइव मारते हुए पार्टनरशिप। मिचेल की सेंचुरी होगी कि नहीं? होगी 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 होगी। मेरे को तो लग रहा है कुलदीप ले जाएगा। न्यूजीलैंड के सपोर्टर्स
शॉट अ शॉट बॉल तक नहीं है क्या आ जा आ जा इंडिया न्यूजीलैंड का मैच बिना इंटरप्शन के हो ही नहीं सकता, हमेशा वेदर खराब होता है और उस वेदर के बाद इंडिया का हाल कुछ कुछ और ही होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। Kohli gone on 95.